नमस्कार दोस्तों, अड्डा 247 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक अटैक के बारे में जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। सो लेट अस कम टू द स्लाइड एंड यू कैन सी इन द स्लाइड दैट टुडे इज 12th of February। एक बार स्लाइड यहाँ पे दिखा दीजिए, आज है 12th of February और आज ही के दिन 12th of February 1944 को एक हुआ था न्यूज़। What was the news of the day? That is, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में there was a Japanese submarine RO-110 जो कि आ गया था इंडियन कॉन्टिनेंट के बहुत ही पास, विशाखापट्टनम के बहुत ही पास, और उसको जो है ख़त्म किया था HMAS Launceston ने, which was of the Royal Australian Navy, right? तो फिर देखते हैं क्या हुआ था ये पूरा कहानी। आप सभी लोगों ने गाजी अटैक के बारे में तो सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो क्या है ये पूरा का पूरा कहानी, दैट इज HMAS Launceston और HMAS Launceston ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी सेंक द जापानीज सबमराइन RO-110 अबाउट 25 miles ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैक। तो क्या हुआ था, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, दिस इज द इमेज ऑफ द HMAS Launceston जो कि ऑस्ट्रेलियन नेवी का था। नेक्स्ट स्लाइड में आते गाजी अटैक मूवी भी बना हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि क्या हुआ था। PNS गाजी जो कि आपका एक सबमराइन था, किसका, पाकिस्तान का, वो पहुंच गया था काफ़ी करीब विशाखापट्टनम कोस्ट के और उसको जो है ब्रिंग डाउन किया था, उसको अटैक किया था बाय द नेवी डिस्ट्रॉयर INS राजपूत। सो दैट वॉज योर गाजी ब्रॉट डाउन बाय INS राजपूत 4th December 1971 ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। 12th of February 1944 इज नॉट जस्ट द हग डे, राइट, बट इसमें क्या हुआ था ये देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए जापानीज सबमराइन्स जो थे उस वक्त इंडियन ओशन के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा एक संभावना बना हुआ था कि हो सकता है और काफ़ी खतरा भी पहुंचा सकता है। सो द सबमरीन ऑफ जापानीज इंपीरियल नेवी RO-110 जो कि RO-100 क्लास सबमराइन्स जो कि एक मिडिल क्लास या फिर मीडियम क्लास सबमराइन है, वो जो है 40 kilometers बीनीथ दी और यू कैन से बिलो दी सी वॉज, इट वॉज प्रेजेंट देयर, इट वॉज प्रेजेंट देयर एंड दिस शिप was could harm the other ships or by the ships of the eastern fleet of the allied forces, right? तो अब आते हैं next slide में। Now what happened during the World War II, जो भी ships आपके खाना वगैरह को carry करते थे, all ships carrying supplies to the allied forces, they were escorted by some other ships as well. Say for example, आप खाना लेके जा रहे हो तो आपको कोई चोट ना पहुँचे आए, इसीलिए मैं भी आपके साथ साथ चल रही हूँ, right? So similarly, दो ships थे, एक SS Esphelion और दूसरा SS Melampus. These two ships were carrying the goods, for example. तो इनको escort करने के लिए दो और शिप्स लगाए गए थे। अगर ये दोनों शिप्स सप्लाई को कैरी कर रहे थे, फूड वगैरह कैरी कर रहे थे, तो इनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, मतलब इनको स्कूल छोड़ने गए थे दो और शिप्स, जो कौन कौन से हैं, HMAS Launceston एंड HMIS जमुना, जिसका बाद में नाम चेंज करके जमुना रखा गया था। तो Launceston एंड जमुना इसको जो है एस्कॉर्ट करने गए थे या फिर छोड़ने गए थे। बट हुआ क्या, 25 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम जापानी सबमराइन ने किया हमला। किससे हमला किया, जैसे बुलेट्स निकलता है बंदूक से, वैसे ही टॉर्पीडो निकलता है आपके इन सबमर्ज्ड यू कैन से व्हीकल्स से। तो वहाँ जो आपका जापानी सबमराइन था, उस जापानी सबमराइन से निकला टॉर्पीडो जिसने हमला किया Esphelion। अब Esphelion कौन था, जो खाना लेके जा रहा था, ठीक है, अब पता चल गया कि हमला हुआ है। तो जमुना और Launceston दोनों ने एक डेफ्ट
चार्ज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया कि कहाँ छुपा हुआ है, कौन छुपा हुआ है, ढूंढो, उसको हिट करो। और इस प्रोसेस में लॉन्सेस्टन ने हिट किया RO-110 जो कि जापनी सबमरीन था, तो उसको हिट किया, उसको सेंक किया, बराबर लेवल में जाके उसको जो है अटैक किया। तो दैट इज हाउ लॉन्सेस्टन सेंक दी सबमराइन, जापनीज सबमराइन RO-110। दो शिप्स थे, खाना लेके जा रहे थे, उसको स्कूल छोड़ने के लिए दो और गए थे, जिसमें कि जापनीज सबमराइन ने वो स्कूल जा रहे पहला जो शिप था, ठीक है, खाना लेके जो पहला शिप जो आपका जा रहा था एसफिलियन, उसको हिट किया। रिजल्ट, लॉन्सेस्टन ने RO-110 को हिट किया। अब आगे क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो उसके बाद जो है कुछ मोटर टॉर्पीडो बोट्स, जिसमें कि जितने भी घायल लोग थे उनको बुलाया गया, उनको लेके जाया गया, राइट। और उसके बाद जो है वहीं पे आपका उनका इलाज वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया HMAS इंडस में, विच वॉज अनादर यू कैन से व्हीकल। और उसके बाद एसफेलियन, जिसको कि चोट लगा था जापनी सबमरीन की वजह से, उसको माइनर रिपेयर के लिए भेजा गया। और प्रेजेंटली जो जमुना है उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था, उसका नाम चेंज करके जमुना रखा गया था। तो फिर आज के लिए इतना ही, और हमने देखा आज के इस सेशन में कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन सबमराइन ने एक जापनीज सबमराइन को सिंक किया था, और इन्हीं सब गतिविधियों के कारण जो है काफ़ी हद तक यू कैन से डिसीजन लिया गया कि वर्ल्ड वॉर टू कौन जीता और कौन हारा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टू दिस सेशन। आई विल सी यू अगेन इन सम अनदर सेशन। थैंक यू।